नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय इंटर कॉलेज झांसी है और इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। यह कहां पर बना हुआ है, जब आप लाइट से ग्वालियर मार्ग पर आएंगे, सिद्धेश्वर मंदिर के सामने राजकीय इंटर कॉलेज बना हुआ है, काफ़ी पुराना है और अंग्रेज़ों के टाइम की जो बिल्डिंग हुआ करती हैं उसी शक्ल में बिल्डिंग का नक्शा बनाया गया है। आप देख सकते हैं खूबसूरत बिल्डिंग, खूबसूरत नज़ारा, लोगों का आवागमन। लोग इतने क्यों दिख रहे हैं हम बताते हैं। बच्चे भी खेलते हुए फुटबॉल। आज संडे है और वैसे भी यह सेफ जगह मानी जाती है बुज़ुर्गों को, माताएं बहनों को घूमने के लिए, टहलने के लिए, क्योंकि यहाँ यातायात बाधित नहीं होता है और यातायात का डर नहीं सताता है, इसलिए यह सेफ जगह मानी जाती है लोगों को घूमने के लिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें, लोग इसलिए आते हैं टहलने के लिए। ये अच्छी बात है, अगर हमारे झांसी में यह सुविधा है तो लोग, पास के लोग, दूर के लोग सेफ चाहते हैं, जिससे को उन्हें कोई क्षति ना पहुंचे। रोड पर अगर घूमेंगे तो बाहर निकलने का और दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है, इसलिए ये राजकीय इंटर कॉलेज में जो बच्चा, बूढ़े, जवान, माताएं, बहनें सब दिखाई दे रहे हैं, ये इसीलिए घूमने के लिए, अपने स्वास्थ्य के फिटनेस के लिए टहल रहे हैं लोग बाग। यह ग्राउंड है राजकीय इंटर कॉलेज का। काफी बड़ा क्षेत्रफल है ग्राउंड का। सुंदर नज़ारा देखने के लिए आप घर बैठकर मार्केट संवाद देख सकते हैं। मेले जैसा नज़ारा है, लोगों का आवागमन आप देख रहे हैं, सब टहलने के लिए आए हैं। शाम का समय है, बादल खुला हुआ है, बारिश रुकी हुई है क्योंकि आज बारिश हुई नहीं है। दोपहर में थोड़ा सा बूंदाबांदी हुई थी। सरकारी स्कूल है राजकीय इंटर कॉलेज, काफ़ी पुराना स्कूल है और बहुत से लोग जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, देश विदेश में रहते हैं, इसको देखकर उन्हें याद आ जाएगी कि हम भी स्कूल में पढ़े हैं, इंटर कॉलेज में। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि स्कूल की अपडेट कैसी लगी। सारे लोग बैठे हुए हैं टहलने के लिए, क्या बुज़ुर्ग, क्या जवान, और सेफ जगह है इसलिए यातायात कोई बाधित नहीं होता है, कोई चोटिल होने का डर नहीं रहता है, इसलिए यह सेफ जगह में लोग टहलने के लिए आते हैं, क्योंकि अगर रोड पर घूमेंगे तो चोटिल होने का डर रहता है। जितने अटल एकता पार्क में लोग जाते हैं उतने ही लगभग काफ़ी लोग जीआईसी ग्राउंड में, स्कूल में टहलने के लिए, अपनी कसरत करने के लिए आते हैं, क्योंकि अटल एकता पार्क में अगर टहलेंगे तो 10 रुपये टिकट लगता है और यहाँ पर उनको फ्री में घूमने को मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सेफ जगह है, क्योंकि इस उम्र पर हम रोड पर जब चलेंगे तो जब उम्र दराज होते हैं बुज़ुर्ग लोग, तो कभी सुनाई भी कम देता है, कभी दिखाई भी कम देता है, हर किसी का उम्र का तकाजा होता है, तो मैं रोड पर चलने में थोड़ा दुखदाई होता ही है,
इसलिए यह जो राजकीय इंटर कॉलेज है ये सेफ जगह मानी जाती है। अपने आए टहले बैठे, चार गप्पे मारी, चार बुजुर्ग इकट्ठे हुए, अपने घर की, अपने बहुओं की, अपने बेटों की, नाती पोतों की गप सड़ा के किए और अपने टाइम हो गया, रोटी का चले गए घर, बस रिटायरमेंट पर यही जिंदगी होती है, मस्ती की, खुश रहने की। ये आप बिल्डिंग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा अंग्रेज़ों के समय की बिल्डिंग है। हर जगह जिम मशीनें लगाई गई हैं और इधर भी जिम मशीनें लगी हैं। काफ़ी अच्छा नगर निगम प्रशासन ने हर पार्कों में सुविधा दी है अपने कसरत करने की। क्यों ना हमें फ्री में जब कसरत करने के लिए मशीनें मिल रही हैं तो हम क्यों इसका लाभ ना उठाएं? हर किसी को यह लाभ उठाना चाहिए और सारे जिस्म की फिटनेस के लिए मशीन लगी हैं। हर अंग को अपना तंदुरुस्त करना है उसी प्रकार की। ये आप देख रहे होंगे, ये पहले चक्की चलाई जाती थी, माताएं बहनें पीसती थीं, उसी प्रकार से चलाते हुए इससे हाथों की और कंधों की कसरत होती है। ये भी वही मशीन है, जैसे ट्रक चलाते हैं तो हाथों की कसरत, कंधों की कसरत बनी रहती है। ये आप जो देख रहे हैं झूले के नमा, ये पूरे पैरों की कमर के लिए लाभदायक है। ये रनिंग करने के लिए बढ़िया है, हाड़ हाड़ पैर एर घुटने सब इससे सही रहते हैं। अपने कमर पेट को सही करते हुए क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या माताएं, क्या बहनें, सब अपने जागरूक हैं। जब से कोरोना काल आया है तब से और जागरूकता बढ़ गई है, वरना कौन ध्यान देता था अपने शरीर पर। कोरोना काल में काफ़ी कुछ कोरोना सिखा कर गया है। जब कोरोना काल चला है तो बहुत कुछ सीखने को मिला है और घर में बैठकर भी नए नए पकवान, अच्छी अच्छी डिश सीख गए हैं लोग। घर में रहे, बनाई खाई, गप्पे मारी। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है अंग्रेज़ों के समय की, कितनी खूबसूरती अभी भी बनी हुई है, क्योंकि पुरानी जो चीज़ होती है थी वो बहुत मजबूती से बनाई जाती थी। अब आज के समय में तो सीमेंट भी ढह जाती है, आज बनाओ दो दिन बाद भी ढहने को देखने को मिल जाती है। सामने आप जो देख रहे हैं ये हॉस्टल है राजकीय इंटर कॉलेज का, बच्चों का हॉस्टल भी बना है, यहाँ पर बच्चे पढ़ सकते हैं। काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है, मैदान काफ़ी बड़ा है। आपको अच्छा लग रहा है? मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।